तो सामने जो बाइक खड़ी है वो है आपकी प्यारी बजाज पल्सर 125 2024 लेटेस्ट मॉडल है। स्प्लिट सीट में आपके सामने यहाँ पर बाइक प्रेजेंट है। तो इसमें भी अब आपको कुछ नए फीचर्स यानी कि अपडेट देखने को मिल जाते हैं। सामने नज़र आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। E20 वाली बाइक है, यहाँ पर आपको कुछ नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और 2024 लेटेस्ट मॉडल का कुछ ऐसा आपको लुक मिल जाता है। तो सारी चीज़ों की आपको जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बाइक की न्यू लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, माइलेज कितना मिलेगा, क्या क्या चेंजेस है, टॉप स्पीड कितनी मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बस वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यार स्टार्ट करते हैं इसके मीटर कंसोल से, जो कि इसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर अब आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है की दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे आपको की मिल जाती है। अभी लगाते हैं इग्निशन में, मीटर जो है स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाता है, इसमें फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। दोनों ही साइड से आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, न्यूट्रल वगैरह, और यहाँ पर इंजन मालफंक्शन लाइट और बाकी सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद स्पीडोमीटर है, रीफ्यूल की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है फ्यूल की इन्फॉर्मेशन, ऊपर आपको RPM मीटर मिल जाता है, टाइम भी अब आप इसमें जो है देख सकते हैं। उसके बाद साइड स्टैंड की वार्निंग, ओडोमीटर का यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है। उसके बाद ट्रिप ए में बाइक आपकी कितना चली आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नया स्विच मिल जाता है इसको चेंज करने के लिए, यानी कि यहाँ से अब जो है मीटर कंसोल को आप कंट्रोल यानी कि ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही प्रेस करते हैं उसके बाद देखो ट्रिप ए उसमें कितना माइलेज आपको मिल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ट्रिप बी का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर बाइक चली है और उसमें कितना माइलेज मिला वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एंटर वार्निंग, एंटर सेटिंग, ये आपको कोड मिल जाता है। यहाँ पर आपको रियल टाइम माइलेज का फीचर मिल जाता है। उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये भी फीचर आपको इस बाइक में मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात इस बाइक में यानी कि पल्सर 125 में अब आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि इसको आप जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। बाकी स्विचेस आप देख लो, राइट साइड में किल स्विच, यहाँ पर सेल्फ का स्विच आपको मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में स्विचेस में यहाँ पर आपको चेंज ज़रूर मिलेगा, यहाँ पर टोटली चेंज हुआ है। जैसे कि आपको जो है ना लो बीम हाई बीम पासिंग करने के लिए ये नया स्विच मिल जाता है। उसके बाद मोड, जिससे आप जो है इसके मीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच, नीचे हॉर्न, तो कुछ ऐसा हॉर्न साउंड मिल जाता है। बाकी इस साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जिंग वाला फीचर भी इसमें मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी लुक आपको जो है ना 2024 लेटेस्ट मॉडल का कुछ ऐसा मिल जाता है। जैसा कि आप अभी जो है फ्रंट से बाइक को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये ग्राफिक्स मिल जाता है, यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश। उसके बाद टैंक पर देखो, यहाँ पर आपको ऊपर भी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। E20 वाली बाइक है, टैंक पैड मिल जाएंगे और ये ग्राफिक्स और कार्बन फाइबर फिनिश आपको मिल जाती है। और यहाँ पर पल्सर का आपको टैंक पर 3D में लोगो मिल जाता है। बाकी 125 रियर से आप देखो, यहाँ पर स्प्लिट सीट में है तो 125 की बैचिंग, और यहाँ पर आपको ये जो है ग्राफिक्स स्टिकर देखने को मिल जाता है और कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो पल्सर 125 2024 लेटेस्ट मॉडल का आपको कुछ ऐसा लुक मिल जाता है, ये आपको जो है ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दो तीन आपके पास जो है पल्सर 125 में ऑप्शन है, जैसे कि नियॉन एडिशन, उसके बाद कार्बन एडिशन में सिंगल सीट, यहाँ पर स्प्लिट सीट है। तो यहाँ पर आपको जो है स्प्लिट सीट मिलने वाला है, जिसमें आपको कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाएगा और फैमिली पर्सन भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेडीज़ फुटर, साड़ी घर, सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा जो है स्टेप अप नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोनों के लिए कंफर्टेबल है, लंबी चौड़ी सीट है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रैब रेल मिल जाता है। बाकी पल्सर 125 में आपको 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ टैंक मिल जाता है। टैंक डिज़ाइन आप देख ही सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह, टैंक पैड है, यहाँ पर 3D लोगो है, E20 अपडेट, बाकी जो है टैंक काउल वगैरह और सारी चीज़ें आप जो है देख ही सकते हैं। 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी इस बाइक से माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले इंजन के बारे में जान लो यार, यहाँ पर आपको किक स्टार्ट ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी 124cc का इंजन मिल जाता है इसमें, आपको जो है ना ही DTSI वाली टेक्नोलॉजी मिलेगी और ना ही कार्बोरेटर मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल जाएगा, जिससे माइलेज काफ़ी बढ़िया मिलेगा।
तो इसमें आपको जो ना 11.8 पीएस की पावर मिलती है और 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा इसमें, कोई शक नहीं है। पल्सर है, पल्सर 125 है, फिर भी आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलने वाला है क्योंकि हर पल्सर है। बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, परफॉर्मेंस के मामले में शक करने की कोई भी ज़रूरत होती ही नहीं क्योंकि पल्सर है, ठीक है। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज यहाँ पर आपको चाहिए बाकी 125cc बाइक जितना नहीं मिलेगा, लेकिन पल्सर के हिसाब से काफ़ी बेटर मिलेगा। यहाँ पर आपको 50-55 माइलेज मिल सकता है, बाकी तो डिपेंड करता है आपके राइडिंग के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। किक स्टार्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस 165mm का मिल जाता है, इंजन काउल आपको जो यहाँ पर मिल जाता है उस पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, बाकी कुछ ऐसे लुक में एग्जॉस्ट मिल जाता है। उसके बाद स्प्लिट सीट तो आपने देख लिया, बाकी रियर से बात करते तो यहाँ पर आपको LED में कुछ ऐसे लुक में टेल लाइट मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल बल्ब में इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है सिंगल रिफ्लेक्टर, उसके बाद नंबर प्लेट के लिए लाइट और यहाँ पर जो है आपकी नंबर प्लेट लगेगी। तो रियर का लुक आपको जो है कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पर आपको टायर अगर भी मिल जाता है, रियर में आपको अच्छा खासा वाइट टायर मिल जाता है, C8 कंपनी का यहाँ पर आपको टायर मिलने वाला है। और साइज़ यहाँ पर आपको जैसा कि देख सकते हैं 100x90 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और अलॉयज ब्लैक कलर में मिलते हैं जिस पर आपको रेड कलर में स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फुल्ली कवर्ड चेन मिल जाती है जिससे मेंटेनेंस की तरफ आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस भी बाइक में फुल्ली कवर्ड चेन है मेंटेनेंस का वहाँ पर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर आप जो है देख ही सकते हैं साड़ी गार्डन, लेडीज़ स्कूटर, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना 5-speed का गियर बॉक्स मिल जाता है, जैसे कि गियर पैटर्न यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 1 down 4 up। साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा बाइक अगर गियर में है ना, तो बाइक जो है स्टैंड ऊपर करने के बाद ही स्टार्ट होती है। सेफ्टी फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है, उसके बाद सेंटर स्टैंड यहाँ पर आपको मिल जाता है। और बाकी सीट हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 790mm सीट हाइट मिल जाती है और बाइक का जो कर्व वेट है वो आपको मिल जाता है 142kg के आसपास। तो अभी आप पल्सर 125 को फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट लुक यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। एक बार बाइक को स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या इसमें LED हेडलाइट मिलता है। तो करते हैं बाइक को स्टार्ट, इग्निशन ऑन है, किल स्विच ऑन कर दिया, अभी स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपकी जो है बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो लुक आप देख लो, इसमें आपको यहाँ पर पायलट लैंप मिल जाएंगे, बाकी हेलोजन में हेडलाइट सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है। नाइट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा और लुक आपको जो है ना कुछ ऐसा मिल जाता है पल्सर 125 का, जैसे कि सामने नज़ारा आप जो है देख ही सकते हैं। और बाकी फ्रंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड से 240mm का डिस्क मिलता है, यहाँ पर आपको जो है ना कॉम्बी ब्रेक मिल जाएगा। रियर का प्रेस करोगे ना तो उसके साथ में फ्रंट का भी अप्लाई होने वाला है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, मडगार्ड यहाँ पर आपको, मडगार्ड पर भी कार्बन फाइबर फिनिश देखने को मिल जाती है और सस्पेंशन के दोनों ही साइड में रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाते हैं। उसके बाद C8 कंपनी का टायर है और साइज़ यहाँ पर 80x100 17 inches अलॉय व्हील मिलते हैं और अलॉयज़ का डिज़ाइन आप देख लो। उसके बाद स्टिकर यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, C8 कंपनी की जो है ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि यार पल्सर 125 में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में यहाँ पर आपको एंड्योरेंस नाइट्रॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीट कम्फर्ट है, सस्पेंशन कम्फर्ट है, वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है, यहाँ पर कोई शिकायत वाली बात नहीं है। तो ये सारे फीचर्स आपको 2024 लेटेस्ट मॉडल बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट मॉडल में मिल जाता है। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ वगैरह, यहाँ पर नए स्विचेस, उसके बाद मोबाइल चार्जर और यहाँ पर आपको ये जो है ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ यानी कि 2024 लेटेस्ट की आपकी जो है बजाज पल्सर 125 की ऑन रोड प्राइस है स्प्लिट सीट की 1,20,000 के आसपास। बाकी यहाँ पर आपको जो है ना प्राइस में, ऑन रोड प्राइस में स्टेट बाय स्टेट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिल सकता है। तो ये सारे फीचर्स के साथ ऑन रोड प्राइस आपको 1,20,000 मिल जाती है। बाकी शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आपके लिए बजाज कंपनी का काफ़ी सारा स्टॉक अवेलेबल है, जैसा कि आप जो है नज़ारा देख ही सकते हैं। लेटेस्ट जो भी बाइक अपडेट हुई है सारी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आकर आप जो है बाइक का टेस्ट ड्राइव भी
ले सकते हैं। तो 2024 लेटेस्ट मॉडल बजाज पल्सर 125 बाइक ये सारे फीचर्स के साथ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है। बाकी तो यार जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।